हेलो गाइस, आज मैं बैंगन का सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं प्याज डालूँगी और ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, एक टमाटर डालूँगी। सबसे पहले मैंने तेल डाला, तेल में 5 फोरन डाला, एक तेज पत्ता मैंने डाला इसके टेस्ट बढ़ने के लिए, फिर ये तड़के लग जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसमें प्याज डाला, प्याज का अभी कलर चेंज हो गया है। फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ गाइस। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बाहर वाले नहीं डालती गाइस। अभी इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ, उसमें नमक पड़ जाएंगे। अभी हल्दी डाल दे रही हूँ, इसे फिर से मिक्स करते हैं। हल्दी नमक को थोड़े चलाते रहेंगे, तब तक मैं टोमेटो कट कर लूँगी। बस 6 पीसेस मेरी कट करती हूँ गाइस, ज़्यादा नहीं। गाइस अभी सारे टमाटर को उसमें डाल दूँगी। इसे चलाते हैं। मैं इसमें धनिया पाउडर डाल दिया गाइस, देखिए थोड़ी सी। गाइस अभी ये काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और ये जीरा पाउडर डाल रही हूँ गाइस। और धनिया पाउडर मैंने पहले ही डाल दिया था, क्योंकि वो कच्चे बने रहते हैं कच्चे धनिए से, इसलिए वो थोड़े भुन गए थे गाइस। अभी मैं इसे चला दे रही हूँ, थोड़े से और भुनेंगे गाइस, उसके बाद फिर मैं इसे पकने को छोड़ूंगी। ये थोड़े चिपक रहे हैं, इसलिए मैं थोड़े से इसमें पानी डाल रही हूँ। देखिए गाइस कैसे ये बन रहे हैं। अभी ये सारे सॉफ्ट हुए जा रहे हैं, थोड़े थोड़े पानी भी आ रहे हैं इसमें। बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस, आप ही बना कर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनेगा, फिर उसे टेस्ट कीजिएगा। ये बनकर रेडी हो गया हमारी बैंगन की सब्जी। तो अभी मैंने चूल्हे भी बंद कर रखा है, अभी देखिएगा इसे खाकर, टेस्ट बहुत ही अच्छा बना है। और तो हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।